नमस्कार, वेलकम टू गोभी किचन। मैं जाए नए रेसिपी का साग। अभी ठंडी का सीजन है तो इसमें चना का साग बहुत मार्केट में आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सभी मिल जाते हैं। तो इसको मैं आज पकौड़ा बनाऊंगी। ये वाला पहले मैंने कैसे सुना वैसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके पत्ता मैंने ले लिया। तो मैं पहले लेके रख दिए, ये साफ करके धो के मैंने रख दिए। अभी इसको बनाने का, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, मैं थोड़ा आलू बॉईल किए, छोटा छोटा आलू, 5-6 आलू बॉईल किया। पहले मुझे चूर चूर करना है। अच्छा, ये तो बड़ा आलू भी ले सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं छोटा आलू बॉईल किए। मैंने आलू चूर चूर कर दिए। अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज, छोटा छोटा करके मैंने काट दिए। अभी डालती हूँ मैं हरा मिर्च से, मैंने 3 हरा मिर्च से काट दिए। अब उसके बाद दूंगे टमाटो, टमाटो थोड़ा देती हूँ, दूंगे इसके अंदर में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, नमक। इसमें दूंगे अभी ये शाग जो धो के मैंने पहले रख दी थी, वो शाग। मैंने वाला मिक्स कर दिया। अभी मुझे इसके अंदर देना है चावल का आटा, रस का आटा। देने से क्या होता है, थोड़ा करक करक होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। इसमें 3 चम्मच जैसे दिए चाहिए तो, और बाद में मैं देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिलिए, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। मैं गैस में कढ़ाई बैठा दिए, तेल रख दिया, तेल भी गर्म हो गया, कम तेल में फ्राई करने के लिए तेल कम डाला। अभी मेकअप करके फ्राई करने का, मैंने कढ़ाई में पूरा दे दिया। अभी धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं सोलो गैस में, उसको फ्राई करने का मैं कवर नहीं कर रही हूँ, कवर करने का जरूरत नहीं, ऐसे पक जाएंगे। मैं इसको पानी कर देता हूँ, गरम गरम फ्राई हो गया इस तरफ। फ्राई हो गया, ब्राउन ब्राउन कलर देखिए, मस्त फ्राई हो गया। अभी मैं निकाल दूँ। मेरा चना का साग का पकौड़ा बन के रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो का साथ। ओके, बाय।